दोस्तों WWE कंपनी के अंदर हमें काफी सारी टैग टीम्स देखने को मिलती है, जहां पर इन टैग टीम्स को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो इनके बीच में रिलेशन है वो दोस्ती का काफी ज्यादा गहरा है। लेकिन दोस्तों आज की स्टूडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं WWE के कुछ ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जिनकी जो रियल लाइफ में फ्रेंडशिप है वो काफी ज्यादा है। और दोस्तों जो ये वीडियो होने वाली है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा आप सभी को अच्छी लगने वाली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। और स्वागत आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों चलिए इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं, जहां पर दोस्तों जो नंबर 10 पर यहां पर नेम है फ्रेंडशिप की लिस्ट में हुआ दोस्तों रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट का। दोस्तों रिया रिप्ली और जो डेमियन प्रीस्ट है वो हमें WWE की स्टोरी लाइन के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जजमेंट डे फैक्शन के अंदर ये दोनों मेंबर्स हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों रियल लाइफ के अंदर भी ये काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं और इनकी जो जनरी है WWE कंपनी के अंदर वो दोस्तों काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हमें देखने को मिली है फिलहाल के टाइम में। तो रिया रिप्ली और जो डेमियन प्रीस्ट है वो दोस्तों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं रियल लाइफ के अंदर। दोस्तों इसके बाद नंबर 9 पर यहाँ पर है ड्रू मैकइंटायर और शेमस। तो ड्रू मैकइंटायर और शेमस दोस्तों काफी जो इनकी हिस्ट्री है वो WWE के अंदर हमें देखने को मिली है, बैंगर आफ्टर बैंगर मैचेस हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों रियल लाइफ फ्रेंड होते हुए भी WWE के रिंग के अंदर जो इनकी केमिस्ट्री है एक दूसरे के साथ मैच के अंदर रेसल करने की, वो भाई साहब काफी ऑसम है। और रियल लाइफ के अंदर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर और शेमस काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है और ये बात दोस्तों खुद ड्रू मैकइंटायर और शेमस ने भी रिवील करी है। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर यहाँ पर जो हमारे बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट है उसमें दोस्तों नाम शामिल है साशा बैंक्स और बेली का। तो अभी तो फिलहाल जो साशा बैंक्स है वो AEW कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल रही है और बेली जो है वो WWE कंपनी के अंदर है, लेकिन इनका जो करियर है WWE कंपनी के अंदर वो दोस्तों एक साथ ही शुरू हुआ था, जहां पर NXT की चार पावर हाउस वुमेन्स में से बेली और साशा बैंक्स का नाम शामिल है और रियल लाइफ के अंदर दोस्तों ये काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। इसके बाद दोस्तों अगले जो नाम है वो है दोस्तों यहाँ पर सैमी जेन एंड कैवी जोंस का। तो भाई साहब इनकी तो फ्रेंडशिप WWE कंपनी के अंदर हमें तब से देखने को मिल रही है जब NXT के ऊपर ये हमें देखने को मिलते थे, और NXT के ऊपर जब इनका ब्रेकअप हुआ था तो भाई वो भी काफी ज्यादा हॉट टॉपिक उस टाइम पर बन गया था। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है और WWE कंपनी के अंदर हमें इनके काफी सारे सिंगल्स मैचेस भी देखने को मिले हैं जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आते थे, जैसा कि मैंने ड्रू मैकइंटायर और शेमस का एग्जांपल आपको दिया है। तो सेम दोस्तों बैंगर आफ्टर बैंगर मैचेस केविन ओंस और सैमी जेन ने भी हम सभी फैंस के सामने प्रेजेंट किए हैं। अगर आपने सैमी जेन और केविन ओंस की जो फ्यूड है वो 2016-17 के आसपास देखी होगी, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों रियल लाइफ के अंदर ये काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगला नेम है वो है दोस्तों यहाँ पर ब्रोक लेसनर और पॉल हेमन का। तो भाई साहब पॉल हेमन फिलहाल तो हमें रोमन रेंज के साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन जो क्लोज फ्रेंड है पॉल हेमन के रियल लाइफ के अंदर वो दोस्तों उनके क्लाइंट ब्रोक लेसनर हैं। और ब्रोक लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी WWE कंपनी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों जो ब्रोक लेसनर है वो पॉल हेमन से फेमस हुए हैं, या हम बोल सकते हैं कि पॉल हेमन से ब्रोक लेसनर फेमस हुए हैं। दोनों ही बात दोस्तों काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इनकी जो रियल लाइफ के अंदर केमिस्ट्री है, इनका जो सर्कल है रियल लाइफ के अंदर, वो दोस्तों काफी ज्यादा क्लोज है। ये दोनों एक दूसरे को भाई से भी ज्यादा मानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले जो सुपरस्टार्स हैं वो है दोस्तों यहाँ पर एज एंड क्रिश्चियन। तो WWE कंपनी के अंदर एक ग्रेटेस्ट टैग टीम होने के नाते इन्होंने WWE कंपनी के अंदर काफी अच्छे काम किए। WWE कंपनी के अंदर शायद हम इनके सिंगल्स मैचेस भी देखने को मिले हैं, लेकिन टैग टीम के तौर पर तो फैंस ने इनको काफी ज्यादा पसंद किया ही है। और अभी फिलहाल दोस्तों एज एंड जो क्रिश्चियन है वो हमें AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इनके हमें आइकॉनिक फ्यूड भी देखने को मिली है। और जो आने वाले टाइम के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि एज एंड क्रिश्चियन हमें एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर इनकी लेजेंडरी टीम हमें फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन रियल लाइफ के अंदर दोस्तों ये भी काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है, और दोस्तों ये आप मान सकते हो कि इनकी जो फ्रेंडशिप है वो दोस्तों कई सालों की हो चुकी है रियल लाइफ के अंदर। दोस्तों इसके बाद जो अगला नेम है वो है दोस्तों यहाँ पर मैंडी रोज और सोनिया डेविल का। तो मैंडी रोज तो दोस्तों WWE कंपनी से जा चुकी हैं, लेकिन जो इनकी रियल लाइफ में फ्रेंडशिप है वो दोस्तों एक्चुअल में है, और WWE कंपनी के अंदर भी हमें मैंडी रोज और सोनिया डेविल एज ए टैग टीम के तौर पर देखने को मिली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हमें फिर से इनकी जो टैग टीम है वो देखने को मिल जाए कंपनी के अंदर, लेकिन रियल लाइफ के अंदर तो ये दोस्तों काफी क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगले जो सुपरस्टार है वो है दोस्तों DX के ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स। दोस्तों DX के ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स की जो टैग टीम है वो दोस्तों लेजेंडरी है, वो दोस्तों हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों इनके भी हमें WWE कंपनी के अंदर काफी बैंगर मैचेस देखने को मिले हैं, सिंगल्स मैचेस हो या फिर टैग टीम मैचेस हो, वो भी हमें देखने को मिले हैं। और लास्ट जो इनका टैग टीम मैच था वो दोस्तों हमें अंडरटेकर और केन के अगेंस्ट में देखने को मिला था सऊदी अरेबिया के शो के अंदर। और रियल लाइफ के अंदर तो दोस्तों ये काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं ही, लेकिन दोस्तों WWE की स्टोरी लाइन के अंदर भी हमें इनकी फ्रेंडशिप जो है वो काफी ज्यादा क्लोज देखने को मिली है।
और अब जो दोस्तों शोन माइकल और ट्रिपल एच है वो भाई WWE कंपनी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो इनकी दोस्ती है वो दोस्तों ऐसे ही बरकरार है। इसके बाद दोस्तों अगला जो नेम है वो है यहाँ पर रोमन रेंग्स एंड डीन एम्ब्रोज का। तो दोस्तों रोमन रेंग्स एंड डीन एम्ब्रोज एंड सेथ रोलिंस, तो दोस्तों ये तो एक ऐसी फैक्शन है जो कि फैंस के बीच में बिल्कुल ऐसे बस चुकी है। इस फैक्शन को दोस्तों फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और रियल लाइफ के अंदर भी दोस्तों ये तीनों सुपरस्टार काफ़ी क्लोज है, लेकिन जो रोमन रेंग्स और डीन एम्ब्रोज है वो इस स्टोरी वो दोस्तों रियल लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आर्थरूज का भी नाम शामिल है, जहाँ पर दोस्तों आर्थरूज जो है वो भी रोमन रेंग्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं। इसके बाद दोस्तों जो फाइनल नेम है वो है दोस्तों यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एंड सी नेशन लीडर जॉन सीना। दोस्तों अगर हम WWE की हिस्ट्री को देखें तो दोस्तों इनके बीच में हमें कुछ ऐसी फ्यूड्स देखने को मिली है जिन फ्यूड को देखने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये रियल लाइफ में दोस्त नहीं बल्कि रियल लाइफ में दुश्मन है। इतनी खतरनाक हमें इनके बीच में फ्यूड देखने को मिली है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स है। और दोस्तों अब तो रैंडी ऑर्टन खुद ये बात बोल रहे हैं कि मेरा जो सपना है वो यही है कि जो उनका रिटायरमेंट मैच होगा वो दोस्तों जॉन सीना के साथ ही हो, और जॉन सीना का भी रिटायरमेंट मैच अगर रैंडी ऑर्टन के साथ होता है तो भाई वो तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाएगी। लेकिन रियल लाइफ के अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना काफ़ी क्लोज हैं, और रैंडी ऑर्टन तो जॉन सीना के बारे में काफ़ी बातें करते ही हैं, जॉन सीना भी रैंडी ऑर्टन के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर हमें जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की फोटो भी देखने को मिली थी, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन जॉन सीना की फोटो को यहाँ पर किस कर रहे थे। तो यहाँ से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनकी जो फ्रेंडशिप है वो कितनी ज़्यादा ओपन तरीके की है और कितने ओपन माइंडेड के बंदे हैं। और एक्चुअल में दोस्तों जो इनकी रियल लाइफ फ्रेंडशिप है वो अगर WWE की स्टोरी लाइन के अंदर एक बार फिर से हमें देखने को मिल जाए तो भाई मज़ा ज़रूर आएगा इस चीज़ को देखने में। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो इतनी ही थी। वीडियो के अंदर हमने जाना कि जो रियल लाइफ के अंदर जो सुपरस्टार था उनके कितने ज़्यादा कौन कौन से सुपरस्टार उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।